नालंदा की पांच बड़ी खबरों की बात करें तो बड़ी खबर अस्थामा थाना क्षेत्र के बलवापर गांव से आ रही है, जहां दो बाइकों की भीषण टक्कर में पांच लोग जख्मी हो गए हैं, जिसमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रहुई थाना क्षेत्र के पुनहा गांव के तीन युवक बाइक पर सवार होकर अस्थामा मेला देखने गए थे, इसी दौरान वापस लौट रहे थे। उसी बीच बलवा के पेट्रोल पंप के समीप विपरीत दिशा से आ रही तेज बाइक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ। जानकारी मिलते ही अस्थामा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी जख्मी को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाई, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए विम्स रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो मामूली विवाद और छेड़खानी को लेकर सरमेरा थाना क्षेत्र के मसिया गाँव में माँ और बेटे को चाकू मारकर जख्मी कर दिए जाने की घटना घटी है। गांव के लोगों ने बताया कि जो बदमाश है वह महिला के साथ छेड़खानी का प्रयास कर रहा था, जिसका विरोध उसके उनके पुत्र कर रहा था। पुत्र को के साथ मारपीट करने लगा बदमाश, तो माँ बचाने आए, जिस पर माँ और बेटे को दोनों को उसने चाकू मार दिया। वहीं तीसरी खबर की बात करें तो नगर थाना क्षेत्र के कटरा पर मोहल्ले में आपसी विवाद को लेकर के जो है आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। एक पक्ष का आरोप है कि वहां पर चाय की दुकान है, जहां पर बैठकर गाली गलौज और शोर शराबा ये लोग करते हैं, इसी का ये लोग मना करने के लिए गए थे, इसी के विरोध में उन लोगों ने जो है इन लोगों के साथ मारपीट किया। सभी संबंधित थाना पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। वहीं हम बात करें चौथी खबर की तो उत्पाद विभाग द्वारा आज विशेष अभियान चलाकर के करीब 12 धंधेबाज और 20 नशरियों को गिरफ्तार किया है। उत्पाद इंस्पेक्टर राम नरेश महतो की माने तो शहर के समेत जिले के करीब 3 दर्जन इलाकों में सघन अभियान चलाया गया, जहां से पुलिस उत्पाद विभाग की टीम को यह सफलता मिली है। सभी धंधेबाज को न्यायालय की हिरासत में भेज दिया गया। वहीं जितने भी 20 नशेड़ी हैं उन्हें फाइन दे करके उन्हें जो है न्यायालय द्वारा छोड़ दिया गया। वहीं हम पांचवी खबर की बात करें तो बाबा बागेश्वर पटना आने वाले हैं इन दिनों, और इसी को लेकर के आज श्रवण कुमार ने जो है तीखा प्रहार भाजपा वालों पर किया है। उनका कहना है कि बाबा बागेश्वर अगर बिहार में धर्म संप्रदाय की बात छोड़ भाईचारा की बात करने के लिए आते हैं तो उनका स्वागत है, अगर राजनीति करने के लिए आते हैं तो यह कोई भी इस चीज़ को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वहीं कर्नाटक चुनाव को लेकर मंत्री ने कहा कि बहुत दिनों तक भाजपा बजरंग बली के सहारे नैया पार लगा रहे थे, लेकिन इस बार कर्नाटक में उनकी नैया डूब जाएगी। वहीं हम छठी खबर की बात करें तो सड़क हादसे में पंचायत समिति सदस्य के पुत्र की मौत हो गई है। घटना कंगड़सराय थाना क्षेत्र के मंडास गांव में घटी है, जहां निवासी कोनई बिघा निवासी शैलेंद्र कुमार कपूर का 22 वर्षीय पुत्र विक्रम कुमार कुणाल की मौत हो गई, जिनके बाद जो है इनके जख्मी थे, जख्मी के बाद इनकी मौत हो गई है। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो एक बड़ा ही दिलचस्प जो है मामला सामने आया है, जहां दो बच्चे की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। मामला नगर नौसा थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है। महिला का पति इस संबंधित थाना में जो है आवेदन देकर पत्नी को वापस लाने की गुहार लगाए हैं। बताया जाता है कि महिला के पति ने शिकायत दर्ज की है, जिसमें बताया है कि उसकी पत्नी गांव के एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे को छोड़ने गई थी, उसके बाद से वापस नहीं लौटी। काफ़ी खोजबीन के बाद भी उसे वह नहीं मिली। उसके मोबाइल पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन कर कहा कि पत्नी को नहीं ढूंढो, है ना, पत्नी अब तुम्हारे पास वापस नहीं लौटेगी। इसके बाद उसे जिस मोबाइल से उसे बात किया गया था वहाँ पर उसकी पत्नी की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसी आधार पर उसका मानना है कि पत्नी को कोई बहला फुसला करके वापस लेकर चला गया है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ प्रणय कुमार राज, एनबीटी ऑनलाइन।